समाज में संस्कृति जो है वो भिन्न है, और इस संस्कृति के कारण आज दुनिया भर से लोग आ रहे हैं ये सीखने के लिए कि मन शांति के लिए क्या रास्ता है। हमारे सारे जो आश्रमों में कितने विदेशी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, जितने अमीर लोग आते हैं यहाँ ये सीखने के लिए कि मन शांति के लिए क्या करना चाहिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये संस्कृति हम सब लोगों के लिए एक है, और उसको सिखाने के लिए संस्कृत का शब्द भाषा को दोबारा अनिवार्य ना करें परंतु मौका तो दें सबको पढ़ने के लिए। इस प्रकार से ये मंदिर की भी जो आदर है, और राम मंदिर उसमें एक लक्ष्य है, इससे हमारे देश की जो पुनरुत्थान है वो दोबारा आएगी। इसके लिए अशोक सिंगल की अंतिम आशा थी कि ये बनेगा। उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें मैं भी था, और मुझे उन्होंने कहा कि इसको तो बनाना है और तुम बना सकते हो, तुम भी योगदान कर सकते हो, राम सेतु में जैसा किया इसमें भी आप पहल करिए। तो उनके स्मरण में और इस देश की संस्कृति की पुनरुत्थान की दृष्टि से राम मंदिर बनाना अनिवार्य है, और हमने शुरू फिर कर दिया है, अब अंत तक छोड़ने वाले नहीं। हमने ज्ञानी लोगों को बुलाया है, जो कोई वाइस चांसलर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो राष्ट्रवादी हैं, उनको हमने बुलाया है, और सब वही लोग आएंगे जो राम मंदिर के पक्ष में है। लेकिन लोगों को समझाने के लिए जो तथ्य हैं उसको सामने रखनी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक दस्तावेज तैयार करने चाहते हैं, और उसमें सेमिनार होगी, दैट्स ऑल। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, ये बताएं कि कौन सा डेट में हम कर सकते हैं, इस साल नहीं करेंगे तो अगला साल इलेक्शन है, फिर हम 2018 में करेंगे तो आप कहेंगे लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं। इस देश में आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि रोज हर साल कोई इलेक्शन आ रही है, तुम कहाँ ये सारी काम रोक दें इलेक्शंस के लिए, ये राजनीति सारा इतना ही है। तो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन का तो सब बकवास है, इसको तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूँ। और दूसरा है कि जहाँ तक विरोध है शांतिपूर्ण तरीके से होगा तो हमें तो कोई विरोध नहीं है, परंतु हिंसा होगा तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर इनका क्या मुंह दिखाएंगे समाज को। वो आज कल तक कह रहे थे इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस, अपना अवार्ड को वापस कर रहे थे, आज क्या इसको क्या कहेंगे टॉलरेंस। ये कम्युनिस्टों का जो मनस्थिति है ना वो इसी प्रकार है, मेरा विचार और किसी और